हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? अच्छा करती हूँ, सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और बहुत दिन बाद मेरा ब्लॉग आ रहा है तो उसके लिए सॉरी। हाँ, ये बता दूँ, ये मेरी मम्मी और मम्मी बंगाल से आए हैं बैंगलोर, और उस वो ब्लॉग मैं शेयर नहीं कर पाई हूँ क्योंकि लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है। तो जब सब कुछ सेटल हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, धीरे धीरे पता चल जाएगा आप लोगों को सब कुछ। तो मम्मी बेंगलोर आए थे तो इसीलिए मैंने सोचा थोड़ा मम्मी को डीमार्ट दिखा के लाती हूँ, क्योंकि मम्मी ने डीमार्ट कभी भी गए नहीं है, क्योंकि हमारे उधर डीमार्ट है नहीं फर्स्ट ऑफ ऑल। और इधर मीन्स डीमार्ट में एक साथ क्या क्या इतना कुछ चीज़ें मिलता है, इसीलिए मैं बोली मम्मी को डीमार्ट घुमा के लाती हूँ। और हमारा घर का भी कुछ सामान लाना था, सो इसीलिए हम निकल पड़े थे बस में। थोड़ा शाम का वक्त हो गया था तो हम जा रहे थे। देखो मौन इधर आप लोगों को पहले ही हाय बोल चुका है, तो वो तो बहुत खुश होता है बाहर जाना, बोलो तो वो बहुत ज़्यादा खुश रहता है, ठीक है। तो इसीलिए वो बस में चढ़ गए थे हमने, और बेंगलोर का ट्रैफिक तो पता है, एक घंटा का रास्ता और डेढ़ घंटा लगता है। सो इसीलिए हमको एक घंटा जाना नहीं था, फिर भी ऐसे ही बोली। तो ये देखो मम्मी भी मीन्स पूरा चारों साइड देख रहे थे, और नया बेंगलोर आए थे इससे पिछले बार, बट किधर भी गए नहीं इतना ज़्यादा। सो ये देखो हम डीमार्ट पहुँच गए हैं, और डीमार्ट पहुँच के घर का कुछ सामान वगैरह लेना था, और मम्मी को कुछ थोड़ा थोड़ा चीज़ें पसंद आया था वो लिए हमने, और फिर आ गए थे। और उसका नेक्स्ट डे था मन का बर्थडे, तो बर्थडे ब्लॉग भी धमाकेदार आने वाला है। तो आप लोग जो जो सब्सक्राइब नहीं किए हो मेरे चैनल को, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, और अच्छी लग रही तो प्लीज़ शेयर करो, लाइक करो। और ये देखो मौन तो इधर बैठ गया ट्रॉली में, और ट्रॉली में बैठ के भू भू करके इधर उधर जाता रहता है। ये देखो मम्मी ने बोला मैं चलाती हूँ थोड़ा ट्रॉली मन के साथ, और मेरा थोड़ा वीडियो लो करके, तो वही मैंने उठा दी थी वीडियो। कितना मस्त घूम रहा था। और इधर मौन, ये माँ मौन के लिए कुछ देख रहे थे ड्रेस, बस मौन का बहुत सारा ड्रेसेस है जो पिछले अगले साल छोटा हो जाएगा, इसलिए मम्मी को मैंने मना की, मैंने बोली ये सभी ड्रेस उसको पहना देंगे तो मीन्स नेक्स्ट ईयर उस छोटा होने वाला है, सो इसीलिए हमने उनके लिए कुछ नहीं लिया मन के लिए। और मम्मी ने, ये देखो मौन इतना दौड़ रहा था, चप्पल खोल के दौड़ रहा था वो, तो फिर सोचो इतना एक्साइटमेंट, इतना खुश होता है बाहर जाने के बाद वो, मैं क्या बोलूँ। और तो बाद में हमने बिल किए और आए, तो मैं बता दूँ ये देखो ये जो गाड़ी है ये मन ने लिया है, और उसके बाद से वो गाड़ी को छोड़ा ही नहीं है, ऐसा है। तो इसीलिए मन के लिए हमने गाड़ी लिया एक बस, और हमने घर का सामान लिए ग्रोसरीज, और मम्मी ने एक छोटा सा कढ़ाई और कुछ तो एक लिए है, ठीक है, छोटा सा कढ़ाई और छोटा सा कुछ बर्तन लिए हैं उन्होंने। सो वही सभी पैक कर रहे थे राहुल बाहर, बाद में हमने घर आ गए हैं ये सभी पैक करके। रात हो गया था, 7:30 हो गया था, आने के बाद हमने खाना खाए और सो गए। इधर से बस में आना पड़ता है, आते टाइम पे कुछ हमें टीटी और प्राइवेट होता है ना वो मिल गया था हमें, सो हमने उसमें करके जल्दी पहुंच गए थे घर। ये देखो घर आ गए हमने, और मन तो गाड़ी छोड़ा ही नहीं, आप लोग देख सकते हो। और ब्लॉग कैसे लगा ज़रूर कमेंट्स बताना, और अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना ज़रूर। और अभी से ब्लॉग्स आते रहेगा आप लोगों के साथ, तो मेरे चैनल में जुड़े रहो और सब्सक्राइब कर दो चैनल को, नोटिफिकेशन जल्दी मिल जाएगा। टाटा बाय।